Hello friends, we are studying triangles in mathematics, triangles. We have discussed in triangles that what is similarity, what is meant by similarity or mathematically similarity को किस तरह से define किया गया है. Mathematically अगर दो figure similar हैं तो वह किस तरह से prove होंगे कि वह similar है. इस चीज़ पे हमने एक basic discussion किया है और हमने एक कंक्लूजन यह निकाला है कि दो फिगर्स सिमिलर तब होंगे, दो प्लेन फिगर्स, दो पॉलीगॉन्स सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो. ओके, प्रोपोर्शनल मींस जैसा हमने देखा था रेशियो सेम हो. ओके, रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का. सो हम अब उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ट्रायंगल के ऊपर. एज यू नो ट्रायंगल भी क्या है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही है. ओके, सो अप्लाइंग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट ऑन ट्रायंगल्स, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम है थेल्स. ओके, थेल्स के बारे में आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है. थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. एंड सिमिलरली उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा काम किया था. एंड वन ऑफ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब if corresponding angles of a triangle are equal and corresponding sides of two triangles are proportional then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. Okay, तो थेल्स ने क्या ऑब्जर्व किया? थेल्स ने ऐसा कहा कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ओके, किसी दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब हम कहेंगे कि वह दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. Okay, if in a triangle, if in a pair of triangle, the corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. Proportional means the same ratio. Okay, all the sides, okay, the corresponding sides should have the same ratio as we have discussed in the previous class. So, I will say that both the triangles are similar. Okay, he also gave a terminology of angular triangles. Thales ने एक terminology दी, that is equiangular triangles. Now what are equiangular triangles? He said that if two triangles have their corresponding angles equal, then they are said to be equiangular triangles. ओके,
try to understand this concept. What he said is, if in two triangles the corresponding angles are equal, okay, if in two triangles I have the two corresponding angles equal, if two triangles have their corresponding angles equal, then they are said to be equiangular triangles. किसी ट्राइंगल में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो हम उन्हें इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहेंगे. ओके, सो व्हाट ही सेड दैट इन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटमेंट कहा कि हर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के पेयर में, जो दो ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, उस इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के पेयर में दो ट्राइंगल्स की कोई दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. ओके, क्या होंगी? कोई भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल की पेयर में दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, और हमने ट्रायंगल में अभी तक बेसिक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, दैट इज सिमिलैरिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. हमने ये सीखा कि मैथमेटिकली दो फिगर्स को, दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर बताना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना है, इस बारे में हमने एक बेसिक डिस्कशन कर लिया है. नाउ अब जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वह कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का. नाउ सिमिलैरिटी इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ओके, सिमिलैरिटी हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जा सकता है, हर तरह के पॉलीगॉन पे हम पढ़ते हैं, हर तरह के पॉलीगॉन पे लगाते हैं. लेकिन हमें जो चीज इस चैप्टर में पढ़नी है, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नाउ जो कॉन्सेप्ट हमने पॉलीगॉन्स पे अप्लाई किया, सिंस ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, ओके, ट्राइंगल इज ऑल्सो अ फिगर, सो हमने पॉलीगॉन के केस में सिमिलैरिटी के लिए पढ़ा, सिमिलैरिटी के लिए दो क्राइटेरिया देखे, दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू डिफरेंट फिगर्स और द टू पॉलीगॉन्स शुड बी इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रपोर्शनल, देन वी विल से दैट द टू फिगर्स आर सिमिलर. So in case of triangle, we will follow the same concept that for triangles, for two triangles to be similar, we will say that the corresponding angles must be equal, and the second is corresponding sides must be proportional. So, अगर हम triangles में similarity की बात करते हैं तो वही concept को हम यहां पर देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब जो रेशियो है, जो साइड्स का रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वह रेशियो सेम है, वह रेशियो इक्वल है. ओके, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तीन साइड्स होती हैं. तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स, ओके, दे शुड बी प्रोपोर्शनल. ओके, इफ आई एम कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स, then the corresponding sides should be of same ratio. We will discuss this concept in more detail. Okay? So, अब इस concept की जब हम बात करते हैं, similarity of triangles की बात करते हैं, so similarity of triangles के concept को सबसे पहले दुनिया के सामने Thales ने रखा था. एक Greek philosopher थे Thales, उन्होंने इस concept को सबसे पहले analyze किया, observe किया और दुनिया के सामने रखा. Thales also worked in the field of electricity. आपने Thales के बारे में electricity के chapter में भी पढ़ा है. In this similarity also, Thales ने काफी सारा work किया. Now, Thales ने एक simple सा एक terminology define करी. Thales said, Thales defined the terminology of equi
angular triangles. Thales ने एक terminology define करी, that is equiangular triangles. And how he defined this equiangular triangles? He said that if corresponding angles of two triangles are equal, if corresponding angles of two triangles are equal, then the two triangles are said to be equiangular triangles. This is how Thales defined the concept of equiangular triangles. Thales ने क्या कहा? अगर किन्हीं दो triangles के corresponding angles बराबर हैं, corresponding angles equal हैं, तब हम कहेंगे कि वह दोनों triangles कैसे हैं? Equiangular triangles हैं। कैसे मतलब? For example, मैं एक triangle draw करता हूँ। This is, let us say, point A. This is B and this is C. Let us say this is 100 degree. Let us say this is 50 degree. And let us say this is 30 degree. मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, जहां पर एक एंगल 30, एक एंगल 100 और एक एंगल 50 degrees है. Then I drawn a similar kind of triangle. मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ करा. Something like this. I drawn this triangle. Let us say this is E, F, and G. EFG मैंने एक और ट्राइंगल बनाया and in this triangle this angle F is 100 degree, this angle E is 50 degree and this angle G is 30 degrees. इस तरह से मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करे, ABC और EFG. According to Thales, अगर corresponding angles किसी दो ट्राइंगल्स में corresponding angles बिल्कुल equal हैं, तो वह कहलाएंगे equiangular triangle. हम यहां पर देख सकते हैं, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जी है और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इन द टू ट्राइंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों बोला? इट्स बिकॉज अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट करता हूं, सो इसको आप देख सकेंगे कि दैट दिस ट्राइंगल विल लुक एग्जैक्टली सेम एज दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स का शेप आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा. ओके, दैट्स व्हाई आई विल से कि यह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यह दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हैं और यह दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू थेल्स दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर ट्राइंगल. ओके, व्हाट आई विल से इज दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफजी आर equiangular triangles. Okay, both of them are equiangular triangle. This is what the Thales said. Now, अब Thales ने इसके बाद क्या करा? Thales ने इसके बाद इस तरह के triangles को observe करा. इस तरह के बहुत सारे triangles उन्होंने बनाकर देखे और फिर उस observation पे, उस analysis पे उन्होंने एक simple सा concept दिया. And that concept is known as Thales theorem. Or this concept is also known as basic proportionality theorem. Okay? क्या करा Thales ने? इस तरह के बहुत सारे triangles बनाए और सभी ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करके थेल्स थ्योरम नाम से एक कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी पढ़ते हैं. इन मॉडर्न डेज हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट दिस थ्योरम सेड? दिस थ्योरम सेड दैट इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, in two equiangular triangles,
any two sides are proportional. उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा दैट इन एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल. उन्होंने कहा कि अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो कोई सी भी दो साइड्स अगर आप देखेंगे तो वह प्रोपोर्शनल दिखाई देगी. प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो में दिखाई देगी. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी डिराइव दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हम इस थ्योरम का डेरिवेशन भी पढ़ेंगे. उस डेरिवेशन के थ्रू हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्टली थेल्स क्या कहना चाहते थे. ओके, उन्होंने सिर्फ कहा इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स एनी टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल. कोई भी दो साइड्स अगर आप इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स की ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि वह साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाई देगी. ओके, एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, लेट मी करेक्ट इट, एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ ये चीज इन्होंने कैसे ऑब्जर्व करी, किस बेसिस पे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हाट थेल्स डिड इज थेल्स ने एक एंगल ड्रॉ करा. थेल्स ने एक एंगल ड्रॉ करा, लेट अस से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. थेल्स ने एक इस तरह से एंगल सी ए बी इस तरह का एक एंगल ड्रॉ करा. इन दिस एंगल I can see AC and AB are two arms. AC और AB क्या है, इस एंगल के arms हैं. Okay, इस एंगल के क्या है, arms. So on this arms, what he did on any one of these arms, for example AB, इन्होंने इस AB वाले arm पे equal distances पे points mark करे. Okay, क्या करा इन्होंने, इन्होंने इस AB वाले आर्म पे इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मार्क करें. लेट अस से दीज पॉइंट्स आर P, Q, R, S और दिस इज B. ओके, सो व्हाट ही डिड ऑन दिस एनी वन ऑफ द आर्म ऑफ दिस एंगल, ही मार्क्ड पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो इफ दिस AP AP is X, then what is PQ? PQ is also X, QR is also X, RS is also X, okay, this SB is also X and so on. इस तरह से इन्होंने points mark करे, इन्होंने mark करे points such that AP is equals to PQ, is equals to QR, is equals to RS, is equals to SB, okay, in this manner. He marked such points. After that, what he did is, from any of the point, let us say from point R. From any of the point, let us say from point R, he draw a line to intersect this point C. Okay? क्या करा थे इसने? एक R इस कोई भी एक random point select करा इनमें से, let us say R को select करा और R से एक line draw करी जो कि इस C को touch कर रही है, इस C पे जाके meet हो रही है. Okay? So this RC becomes a line. RC क्या है? एक line बन गई. Now, after this, what he did is, he drawn one more line. उन्होंने इस तरह की एक line बनाने के बाद एक और line draw करी from point Q. उन्होंने एक और line draw करी from point Q. कैसी line? एक Q से एक line draw करी for this AC such that जो यह line draw हो रही है, let us say it is intersecting AC arm at D and he made this line such that QD is equals to RC. Sorry, QD is parallel to RC. Okay, try to understand. उन्होंने एक angle बनाया, एक angle पे इस तरह से points mark करे, equidistant points mark करे और फिर कोई भी एक random point let us say R से इस तरह से एक line draw करी जो कि C पे intersect हो रही है. Then इसी RC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम पॉइंट Q. Q पॉइंट से भी एक RC के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी. सो दिस QD इज ऑल्सो अ लाइन, इट इज पैरेलल टू RC. नाउ
Now the main observation comes. If I ask you what is AQ, you can see AQ. AQ is what? AQ is basically AP plus PQ, that is X plus X, that is 2X. Okay, AP plus PQ, that is X plus X, that is 2X. Now after that, AQ ke baad unhone QR ki length napi. QR is what? QR is simply X. So AQ kitna hai? 2X. Aur QR kitna hai? X. Then he calculated the ratio of AQ and QR. Unhone AQ aur QR ke beech mein ratio calculate kara, that is 2X upon X, which is 2 upon 1. So try to understand this concept. Hame kya mil raha hai? AQ upon QR ka ratio kitna aya? 2 is to 1, that is 2 upon 1. After this, इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये रेशियो कितना रहा है 2:1, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स. आफ्टर दिस व्हाट ही डिड, ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ एडी एंड ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ डीसी. ओके, क्या करा थेल्स ने इस ऑब्जर्वेशन के बाद? एडी और डीसी का लेंथ भी मेजर किया. एडी और डीसी का लेंथ भी उन्होंने मेजर किया, और मेजर करने पे उन्होंने ये पाया दैट AD upon DC आ रहा है 2:1. Now this, from this point Thales gave the concept of similarity. इस point से उन्होंने similarity के concept को दुनिया के सामने रखा. क्या करा उन्होंने? उन्होंने पाया कि AQ और QR का ratio 2:1 आता है, और यहीं पे अगर मैं इन दोनों sides का length measure करूं, तो मैंने स्केल से इन दोनों का लेंथ मेजर किया, और हमने ये देखा कि AD अपॉन DC भी कितना आ रहा है? 2:1. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दिस आई कैन से दैट AQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, एंड दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी. इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी. यह रेशियो भी 2:1, यह रेशियो भी 2:1. इट मींस दिस रेशियो एंड दिस रेशियो, दिस वैल्यू बोथ आर प्रोपोर्शनल. यह दोनों कैसे हैं? दे आर प्रोपोर्शनल. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो इसे नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए. टेक अ 1 मिनट ब्रेक, देन वी विल डिस्कस द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और द थेल्स थ्योरम. ओके, मॉडर्न डेज में इट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो हम हर जगह पे इस थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी से पढ़ेंगे. ओके, इन मेनी बुक्स, इन मेनी एग्जांपल्स यू विल फाइंड कि जहां पर भी ये थ्योरम यूज होती है वहां पर बीपीटी लिखा रहता है. बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, टेक अ 1 मिनट ब्रेक और बड़े ध्यान से देखिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं.